हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्निंग हैबिट। सो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोजेक्ट था एपन का ही, उसके बारे में डिटेल्स शेयर किया था। जिस प्रोजेक्ट का नाम था चेतन। आज उसके बारे में देखेंगे, जानेंगे कि उसमें क्वालिफाई करने के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस हमें क्लियर करने होंगे। सो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सो अभी चलिए देखते हैं। अभी मुझे 12 घंटे पहले मेल आया था कि ये प्रोजेक्ट चेलन के बारे में कुछ डिटेल्स अवेलेबल है, उसे देखना है। सो मैं अभी यहाँ पे देखिए अपने एपन के प्रोफाइल पे आ गया हूँ। iOS डिवाइस पे यस कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ तो ऐसा क्वालिफिकेशन के लिए आना चाहिए एज पर द, यहाँ पे देखो चेलन है, यहाँ पे वर्क दिस, यस इस पर क्लिक कर लेने के बाद अपने देखते हैं कि क्या है। अच्छा, ये गाइडलाइंस वगैरह, द पर्पस ऑफ दिस इवेल्युएशन इज टू इवेल्युएट हिंट फोर स्टेप्स टू गेट स्टार्टेड एंड ऑल, सारे स्टेप्स मेंशन है। मैं ट्राई करूँगा इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँ ताकि आप भी देख सको। नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बेसलाइन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करें, रिव्यू चैलेंज हिंट्स गाइडलाइंस। आपको गाइडलाइंस क्लियरली Please advise using VPN is no longer permitted if your IP is showing from a country that is different than the country live in. Okay, VPN आपको यूज नहीं करना, वो बेटर रहेगा। यहाँ पे पढ़ते हैं, once you have been contacted that your baseline account has been created, please proceed to baseline qualification. अच्छा, मुझे एक baseline account create करना, create your Apple ID if you have already, leave it. Need more information about your base account. Click here. चलो देखते हैं, रिव्यू द चैनल हिंट्स गाइडलाइंस वंस यू हैव कॉन्टेक्टेड दैट योर बेसलाइन अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। अच्छा, एक बार जब हमारा मेरा बेसलाइन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तब मुझे मेल आएगा या इंफॉर्मेशन मिलेगा कि बेसलाइन क्रिएट हो गया, तब जाके मैं इस पे जाके क्वालिफिकेशन के लिए ट्राई कर सकता हूँ। बिफोर यू सेंड टिकट काइंडली रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सेस टू योर टूल बेसलाइन, वी सजेस्ट योर जंक और स्पैम as welcome baseline email could be routed to these folders. Okay, it's been week and months, I still don't know baseline access, why process of baseline can take longer than 1 minute. Okay, मुझे इसमें समझ गया हूँ। एक baseline account create करना होगा, create हो जाएगा, अपने आप हो जाना चाहिए as per the information provided here। मुझे wait करना होगा अपने mail में baseline account के related। मैं देखता हूँ एक mail तो आया नहीं, वो Glassdoor का है। ओके फाइन, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अगर जिन लोगों ने अप्लाई करके रखा होगा उनको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल हो सकता है। उनको भी ऐसे ही प्रोसेस के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा। एक बार मेरा बेसलाइन अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो मैं ट्राई करूँगा कि इस टाइप के क्वालिफिकेशन क्वेश्चन इसमें हमें क्लियर करने होंगे, उसको मैं शो कर दूंगा। मेरे पास आंसर्स नहीं होते, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आंसर्स कहाँ हैं सर, तो मेरे पास आंसर्स एक्चुअली में होते नहीं है, इसलिए मैं उसे प्रोवाइड नहीं करता हूँ। क्या फ़ायदा मैं गलत आंसर प्रोवाइड कर दूँ, उससे बेटर है कि ना ही प्रोवाइड करो। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन दिख जाएगा तो आप एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा मेहनत करके गूगल पे चेकआउट करके उसको, उसके आंसर्स को फाइंड आउट करने का ट्राई कर सकते हो। मेरा मेन पर्पज़ यही रहता है। और चलो फ्रेंड्स, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और